एवरीवन, वेलकम टू होली व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के लिए एक फुल व्लॉग बनाने वाली हूँ होली का, होली पार्टी का। एंड लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। एंड आई विल बी जस्ट एंटरिंग द वेन्यू और बहुत थका। एक्चुअली ड्रेस कोड है वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा, तो ऑल सेट। एंड लेट्स सी कैसा रहता है और आप लोग के साथ में सब कुछ शेयर करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड। अब बहुत सारा मजा आने वाला है, दिस इज फॉर श्योर। काफी सारे लोग आ भी रहे हैं ख्याल से। हाँ, आई एम लेट। वो फोटो सेशन जा रही है यहाँ पे। हेलो, तो सारी पार्टीज की तरह शुरू में सिर्फ हो रहा था फोटो सेशन। बहुत ही प्यारा डेकोर था, एकदम होली वाली फील आ रही थी, लेकिन मुझे सब कुछ म्यूट करना पड़ा, रीजन बीइंग कॉपीराइट। और गाने चल रहे थे इसलिए सब मैंने म्यूट कर दिया। ये देखिए, इस तरह से वेलकम किया जा रहा था और बाद में सब कुछ शुरू हुआ प्रोग्राम बढ़िया से। तो शुरुआत हुई गाने गाने से और पीछे अगेन म्यूजिक था इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। यहाँ पे भांजी और मैं मस्ती करते हुए हम लोग पूरा प्रोग्राम इस तरह से कवर कर रहे थे। फिर काफी मजेदार स्टैंड अप कॉमेडीज थी। इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे, बहुत ही एंटरटेनिंग थे। और जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि वुमेंस डे भी था 8 मार्च को, तो यहाँ पे ना जो एल्डरली लेडीज थी कॉलोनी की, उन्हें बुलाया गया था, उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो अब चढ़ेगा रतिया पर फागुन का रब, रंग जब चढ़ेगा रंगों से ना डरे। और यहाँ पे राधा कृष्ण की एंट्री हुई, देखिए कितने खूबसूरत एकदम राधा कृष्ण बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया एंट्री भी थी। और फिर राधा कृष्ण का डांस वो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, एंड दे हैव सच अ गुड कोऑर्डिनेशन और बहुत ही मज़ा आया। अगेन यहाँ पे कॉपीराइट की वजह से मैं आपको जो भी सॉन्ग था वो नहीं सुनवा सकती, बट क्लासिक जो पुराने गाने थे ना उन्हीं में से था और बहुत ही अच्छा लग रहा था पूरा। एक तो इतनी मेहनत करी हुई थी रिहर्सल्स एंड सब चीज़ में और सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। And look at them. I mean, they were so happy to play their role and lovely. बहुत ही अच्छी performance थी। इस party में सब कुछ था, होली वाली चीज़ें जैसे गाना, शेर व शायरी और साथ में राधा कृष्ण का पूरा dance and पूरा act बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कृष्ण अपनी बंसी भूल गए थे तो ये मैंने उनको दी। और last में था ये ज़बरदस्त dance। और इसके लिए भी जम के प्रैक्टिस की हुई थी और बहुत बढ़िया ये डांस था, बहुत ही अच्छा सा मेडले बनाया हुआ था। और जैसे मैंने आपको थोड़ा सा सुनवाया बट ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं सुनवा सकती। ए बी सिंह इज अवार्डेड द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन टू ऑल इवन एट दिस एज शी इज ड्राइविंग। और फिर ये थी हमारी होलिका की होली पार्टी में, और होलिका दहन तो ऐसा हो नहीं सकता तो ये होलिका बनाई हुई थी। लास्ट में होलिका दहन हुआ, इसके चारों तरफ हम लोग घूम रहे थे और रंग और गुलाल भी थोड़ा सा खेला गया था बट ज़्यादातर फूलों वाली होली हुई थी। या यहाँ पे पीछे फिर गाना चल रहा था और भानवी में पूरी कोशिश कर रहे थे कि हम लोग कुछ मज़ेदार क्लिप लें, लेकिन अगेन गानों की वजह से मुझे काफ़ी कुछ कट करना पड़ा। और बिल्कुल लास्ट में हम पहुँचे खाने पीने। खाने पीने में यार चाट वाला सामान होता है, बढ़िया से गोलगप्पे, गुंजिया, आलू की टिक्की, दही की गुंजिया और छोले कुलचे, मतलब सब कुछ था एकदम चटपटा वाला। साथ में कांजी वड़े भी सर्व हो रहे थे जिनसे होली वाली बिल्कुल बढ़िया से फील आती है। तो बहुत ही मस्त रही हमारी होली पार्टी। यहाँ पे मैंने लोगों को छेड़ा, एकदम शादी वाला फोटोग्राफर बन के, बड़ा सबने बहुत एंजॉय किया। और ये छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। सो गाइस, आई एम बैक होम और सार्थक को बड़े मजे आ रहे हैं गिफ्ट्स के साथ। तुमने कुछ पढ़ाई करी? उसका एग्जाम है क्या? झूठ बोल रहा है। क्या पढ़ाई की है? और हमारे और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिएगा। कभी कभार हम ब्लॉग डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन लेकिन जरूर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए ये वॉचिंग एंड बाय बाय।